एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी डिमांड कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा है, और जब भी आप 12th या ग्रेजुएशन के बिहाफ पे कहीं कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए जाते हो तो ज्यादातर जो आपको जॉब रिकमेंड होती है वो होती है एक्सेल में। लेकिन कोर्स करने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके सामने काफी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफी हद तक ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बिहाफ पे एक प्रॉपर ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। और इस वीडियो में जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रैक्टिकली आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी चीज आपको क्लियर करने वाला हूँ। आपको बस करना क्या है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, वो भी बिना स्किप किए हुए। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। मान लो कि आप इंटरव्यू देने गए हो और आपके एग्जीक्यूटिव ने आपको कुछ इस तरीके का प्रैक्टिकल दिया जिसमें वो आपसे ये कह रहा है कि मैंने ऑफिस स्टाफ के लिए एक वेबिनार रखा है और उस वेबिनार के जो इनवाइट्स है यानी किन किन लोगों को मैंने उसमें इनवाइट किया है उनकी लिस्ट आपके सामने है जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब इसमें जिन जिन लोगों ने अटेंड किया है इन्हीं लोगों में से जिन जिन लोगों ने अटेंड किया है वो है ये, और जिन जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है उनका नाम मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है या फिर उनका डेटा मुझे यहाँ पे एड ऑन करना है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मुझे एक एक करके गिन के यहाँ पे लिखना पड़े। मैं इसके लिए क्या करूँ जिसकी वजह से यहाँ पे जिन जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है वो वेबिनार उनके नाम यहाँ पे आ जाए। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे क्योंकि कई बार इंटरव्यू में इस तरीके का सवाल आपके सामने आ सकता है। तो देखो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे यूज करेंगे एक फॉर्मूला जो कि है फिल्टर का। हमने क्या इक्वल FILTER फिल्टर टाइप करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे फिल्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले टर्म ये पूछता है अरे यानी कि आपका जो मेन डेटाबेस है वो कहाँ पे है। तो हमारा जो मेन डेटा है वो है ये जिसके बिहाफ पे हमें कोई भी डेटा फाइंड आउट करना है। फिर हमने क्या यहाँ पे कोमा, नेक्स्ट टर्म हमसे यहाँ पूछेगा इंक्लूड यानी कि आप किस डेटा को ढूंढ रहे हो जो ये इंक्लूड कर रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो, मुझे वो डेटा ढूंढना है जो कि ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो 5 लोग का डेटा है ये इंक्लूड कर रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। इन 5 लोगों के अलावा जो डेटा इसमें इंक्लूड नहीं है वो मुझे यहाँ पे चाहिए जो डेटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे नॉट ताकि ये जो इंक्लूड है ये उल्टा काम करे। इसके बाद करेंगे टैब, फॉर्मूला चालू हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला डालना है जो कि है काउंट इफ। टैब करेंगे फॉर्मूला चालू हो जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज, तो ये हमारी रेंज, हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया। और कोमा करेंगे क्राइटेरिया का, तो क्राइटेरिया में हम इस वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट को क्लोज और प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे कि वो लोग जिन लोग का डेटा यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें राजेश, महेश क्योंकि यहाँ पे है तो महेश का नाम आप यहाँ नहीं देख रहे हो। सुरेश की अगर हम बात करें तो सुरेश ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की है तो इसका भी नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हर्ष की अगर हम बात करें तो हर्ष ने मीटिंग अटेंड की थी इसलिए यहाँ पे हर्ष का नाम हम नहीं देख पा रहे। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है तो वहां पे आप इस तरह से फिल्टर फॉर्मूला और काउंट इफ और नॉट का यूज करके आप इस प्रैक्टिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मान लो कि आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए गए और वहां पर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मेरे एम्प्लॉय के नाम है जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो और इन सब ने यहाँ पे अलग अलग सेल किया। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से किसने सबसे नंबर 1 पे सेल किया, किसने नंबर 2 पे सेल किया, किसने नंबर 3 पे सेल किया, किसने नंबर 4 पे सेल किया। और उन्होंने आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि आप यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर यूज नहीं कर सकते। तो उस बिहाफ पर आप यहाँ पे इनकी रैंकिंग कैसे करोगे कि कौन रैंक नंबर 1 पे है, कौन रैंक नंबर 2 पे है, ये आप कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली ऊपर से नीचे तक का डेटा आपको सेलेक्ट करना है। आपको करना है इक्वल RANK, रैंक का फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ पे रैंक पे आएंगे, टैप करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा चालू। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको किस नंबर का रैंक निकालना है, तो ये है मेरा नंबर जिसका मुझे रैंक निकालना है। फिर मैंने क्या है कोमा, अब ये पूछ रहा है रेफरेंस पॉइंट क्या है, मतलब कि वो पूरा डेटा जिसके बिहाफ पे इसकी रैंकिंग हम चेक करेंगे। तो इसके लिए हम पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और मैं ये चाह रहा हूँ कि हर एक वैल्यू के लिए यानी महेश के लिए, सुरेश के लिए जो डेटा निकालेगा उन सब जगह पे ये चेक करेगा टॉप से। तो इसके लिए हम B2 को यहाँ पे फिक्स कर देंगे और हम प्रेस करेंगे F4 B2 पे ले जाके और कंट्रोल एंटर आपको प्रेस करना है। आप यहाँ पे देखोगे कि जिस हिसाब से इन्होंने सेल करी है उस हिसाब से इनकी रैंकिंग आ जाएगी। जैसे कि नॉर्मली आप देख रहे हो कि इसने 1500 रुपये की सेल की है जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे कम है, इसीलिए इसको यहाँ पे रैंक क्या मिली है 10।
अगर मैं इसकी सेल को यहाँ पे 8,000 कर दूँ तो आप देखोगे कि ये जो है रैंक नंबर 1 पे आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। और ये सुनते के साथ ही आपके माइंड में टर्म आ रहा होगा कि मुझे फॉर्मेट में जाना है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है, लेकिन यहां पर हमारा टर्म कुछ अलग है। देखो नॉर्मली क्या है कि मान लो कि आपको टास्क ये दे दिया जाए, आप यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख रहे हो तो उसके बिहाफ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉलम एडजस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सीरियल नंबर, तो इसके लिए मुझे बस इतने कॉलम की जरूरत है, तो मुझे ये मैनुअल ना करना पड़े या फिर यहाँ जाके ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली यहाँ काम करे। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नेम, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक्स्ट्रा स्पेस मांग रहा है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे, नहीं तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ का सहारा लेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसे कर देता हूँ नॉर्मल। मैं यहाँ पे आता हूँ और कॉलम विड्थ मैं कर देता हूँ 8.43, सिंपल। तो मैंने इसे कर दिया नॉर्मल। अब देखो ये जो आपकी शीट है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है व्यू कोड में। व्यू कोड में जाने के बाद यहाँ पे जो जनरल वाला टर्म है इस पर क्लिक करेंगे और वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और हम इसे करेंगे टैप। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सी है, अगर ये कैपिटल है तो आपको भी कैपिटल ही लिखना है, ये केस सेंसिटिव होता है, तो अगर आपने इसे स्मॉल लिखा तो आपको एरर मिल सकता है। इतना आप करेंगे और इसके बाद सिंपली आपको कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, टैब में प्रेस करूंगा, आप देखोगे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय नेम, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा एम्प्लॉय नेम, टैप किया, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेजिग्नेशन, मैंने यहाँ पे लिखा डेजिग्नेशन, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। फिर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इसकी सैलरी, तो ये एडजस्ट हो गया। फिर मान लो मैं लिख देता हूँ अटेंडेंस, तो ये भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जितने भी प्रोफेशनल एक्सेल यूजर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, वो सब इस ट्रिक का यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। एंड आई होप कि ये जो टर्म है ये आपको भी पसंद आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हो सकता है कुछ इस तरह से। मान लो कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है उसने आपको बोला कि यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे उनके मैंने यूनिट डाल दिए कि कितना कितना मुझे इसे सेल करना है। आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे सबके साथ आपको पीसेस वाला टर्म ऐड करना है, मतलब ये जो 20 है यहाँ पे लिखा होना चाहिए 20 पीसेस, 30 पीसेस, 40 पीसेस, 50 पीसेस, 60 पीसेस, और यहाँ पे मुझे इन सब का टोटल चाहिए। तो ज्यादातर कैंडिडेट क्या करेंगे कि वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये इस तरह से पीसेस वाला टर्म जो है वो एड ऑन कर देंगे, और इसी तरीके से हर एक में वो यहाँ पे सिंपली मैनुअल पीसेस यहाँ पे लिख देते हैं। और सिंपली आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने सब में इसी तरह से मैनुअल यहाँ पे इसे एड ऑन कर दिया। अब होता क्या है कि जब बारी आती है इसमें इक्वेशन करने की, जैसे मान लो कि हमें इसका टोटल निकालना है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल प्रेस करूंगा, तो ऑल्ट इक्वल करने पे सम का फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन रेंज इसने ऑटो सेलेक्ट नहीं किया, जिसके बिहाफ पे हम कई बार इसे मैनुअली यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। प्रेस करेंगे एंटर, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा 0, यानी कि हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिला, क्योंकि ये जो तरीका हमने किया है पीसेस एड ऑन करने का ये गलत होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको डिलीट, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से मैं डेटा लिख देता हूँ जैसा आपको मिला था उसी तरह से। तो हम 20, 30 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें सिंपली कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करना है, जिससे आपको फॉर्मेट सेल यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जाना है कस्टम में और यहाँ पे सिंपली जनरल आपको कट कर देना है कुछ इस तरीके से। आपको लिखना है हैश और यहाँ पे डबल क्वोट्स में आपको लिखना है पीसेस, डबल क्वोट्स करेंगे क्लोज, आपको सैंपल ऊपर दिखेगा कि ये किस तरह से लिख के आएगा। आपको फिर करना है ओके, आप देखोगे 20, 30, 40 सब पीसेस के साथ आ गए। और यहाँ पे अब मुझे ऑल्ट इक्वल प्रेस करना है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे डेटा ऑटो सेलेक्ट हो गया है, पहले की तरह यहाँ पे हमें एरर नहीं आ रहा। और अब अगर हम एंटर प्रेस करें तो आप देखोगे 200 के साथ पीसेस भी यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो कई बार इंटरव्यू में इस तरीके का भी ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, और इसी तरीके से एक ट्रिकी क्वेश्चन और है आपके लिए। देखो नॉर्मली यहाँ पे टास्क ये होता है जो होता है मिस्टर से रिलेटेड, जैसे नॉर्मली आप देख रहे हो यहाँ पे इम्प्लॉय का एक डेटा है, यहाँ पे इम्प्लॉय के नाम है, सेल्स है और रैंक है। अब इस तरह के डेटा में आपको किस तरीके का टास्क मिल सकता है, जैसे मान लो आपसे ये बोल दिया जाए कि यहाँ जितने भी नाम है उन सब में आप पहले मिस्टर एड ऑन करो, यानी कि मिस्टर राजेश, मिस्टर महेश, मिस्टर सुरेश, मिस्टर हर्ष, इस तरह से डेटा आना चाहिए। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि अभी अभी तो मैंने एक ट्रिक सीखा है, मैं यहाँ पे सिंपली इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूँ, सिंपली मैं इसे कट कर दूंगा और कट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश और डबल कोट्स में लिख दूंगा मिस्टर, कुछ इस तरह से प्रेस करूंगा एंटर, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन
ये जो टर्म है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है वो स्पेशली होता है वैल्यूज के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास डेटा है इस तरीके का तो वहां पे वो वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये काम नहीं करेगा। तो ये चीज आप कैसे करोगे? देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दूसरे सेल में आ जाना है, किसी भी दूसरे सेल में आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे मिस्टर, कुछ इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, जो कि दूसरे सेक्शन को एड ऑन करेगा, और दूसरा टर्म क्या है हमारा यहाँ पे, ये जो सेल वैल्यू है वो। इसके साथ ही मिस्टर में हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि ये थोड़ा बेटर लगे। हम करेंगे एंटर, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे यहाँ पे मिस्टर राजेश लिख के आ गया। आपको क्या करना है, इसे ड्रैग कर लेना है, सबका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने क्या, यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिंपली वैल्यूज और प्रेस कर देंगे ओके। और आप देखोगे कि ये जो आपका डेटा है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद सिंपली आप इस वाले डेटा को यहाँ पे डिलीट कर दो, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि रिलेटेड है कुछ इस तरीके के डेटा से। नॉर्मली आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय के नेम लिखे हैं और उनके हर महीने की अलग अलग सेल लिखी है। जैसे जनवरी में उन्होंने इतना सेल किया, फरवरी में इतना किया, मार्च में इतना किया, अप्रैल में इतना किया। अब मान लो कि जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको ये टास्क दे देता है कि जिस भी एम्प्लॉय का नाम मैं यहाँ पे लिखूँ उसकी टोटल सेल, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबकी सेल टोटल होके मेरे सामने आ जाए। तो ये आप कैसे करोगे? तो देखो, इसके लिए हमें करना क्या है, हम यहाँ पे आएंगे, हम सिंपली प्रेस करेंगे इक्वल और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला वी लुकअप का। हमने लिखा वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, यानी कि किसके बिहाफ पे मैं डेटा ढूंढ रहा हूँ। तो मैं डेटा ढूंढ रहा हूँ इसके बिहाफ पे, मैंने इसे सेलेक्ट किया, प्रेस करेंगे कोमा। इसके बाद टेबल अरे, यानी कि मेरा पूरा डेटा कहाँ पर है। तो ये है मेरा पूरा डेटा, मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद प्रेस करता हूँ कोमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे एक टर्म को समझो, मुझे जो यहाँ पे डेटा चाहिए वो किसका चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मुझे यहाँ पे चारों कॉलम्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रैकेट लेंगे। सबसे पहला कॉलम नंबर क्या है, 2, 3, 4, 5, मतलब अगर मैं डेटा यहां से चेक करूं स्टार्टिंग से तो ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, 2, 3, 4, 5। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, कोमा करेंगे 3, कोमा किया 4, कोमा करेंगे 5, कर्ली ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कोमा किया और 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। इसके बाद हमें करना है ब्रैकेट क्लोज और वी लुकअप से पहले आना है। देखो, वी लुकअप के यहाँ पे क्या होगा कि ये चारों सेल्स के डेटा को यहाँ पे लुकअप कर लेगा, लेकिन हमें करना क्या है कि उन सभी डेटा को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, सम का। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम, टैप करेंगे फॉर्मूला हो जाएगा चालू, और सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है और आप यहाँ पे देखोगे आपको टोटल सेल यहाँ पे मिल जाएगी। नॉर्मली मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ राजेश का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राजेश, और आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ गया 1800, 500, 500, 1000, 1500 और 3, 1800। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हर्ष लिख दूं, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा हर्ष, तो आप यहाँ पे देखोगे लिख के आ रहा है 8000, 3, 2, 5 और 15, 15, 3, 8000। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से हम इस टास्क को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। नॉर्मली अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जीक्यूटिव आपको क्या बोलेगा? देखो, नॉर्मली वो ये कहेंगे कि ये जो डेटा है वो हमने ऑनलाइन सोर्स या कहीं से लिया है, और ये डेटा मेरे पास इस तरह से आ गया है, नेम कोमा इंग्लिश कोमा हिंदी कोमा मैथ। हो सकता है कोमा की जगह यहाँ पे स्पेस हो या फिर कोई और सिंबल हो, कुछ इस तरीके का। मैं नॉर्मली ऑन स्क्रीन आपको शो करता हूँ, कुछ इस तरीके से भी ये आ सकता है। तो हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से हो और ये डेटा है एक ही सेल के अंदर। तो वो आपसे ये बोलेंगे कि ये जो डेटा एक सेल के अंदर आ रहा है, इन सबको मुझे अलग अलग कॉलम यानी कि सेल में डिवाइड करना है। यानी कि नेम का डेटा आ जाए यहाँ पे, इंग्लिश का डेटा बी वाले कॉलम में, हिंदी का डेटा सी वाले कॉलम में और मैथ का डेटा डी वाले कॉलम में। तो हमें करना क्या है, हमें इस रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक और सिंपली आपको यहाँ पे कोमा सेलेक्ट कर लेना है और आप देखोगे यहाँ प्रीव्यू आपको नजर आ जाएगा। आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक और सिंपली हम करेंगे यहाँ पे फिनिश पे क्लिक और आप देखोगे कि आपका जो पूरा डेटा है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, और ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एंड वन ऑफ द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि है स्किप ब्लैंक से। बेसिकली अगर यहाँ पे हम इस डेटा की बात करें तो आपसे एग्जीक्यूटिव ये बोल सकता है कि ये जो मेरा डेटा है इसमें काफी सारे ब्लैंक्स हैं। कई बार क्या होता है, जब डेटा ऑनलाइन सोर्सेज से ट्रांसफर किया जाता है तो इस तरीके से ब्लैंक्स फिल्ड आ जाते हैं।
जहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से है या फिर ये है, और इसी तरीके से और भी ब्लैंक्स हैं। तो आपको इंटरव्यूअर जो है वो ये बोल देगा कि मुझे एक ही बार में इन सब ब्लैंक्स को हटाना है और ये डेटा है काफी बड़ा, तो आप इसे कैसे करोगे? तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको डेटा को यहां से क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपली आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लो, नहीं तो आप सिंपली यहां पे कंट्रोल जी प्रेस करो, आप स्पेशल पे जाओ और ब्लैंक पे क्लिक करके कर दो ओके। ऑटोमेटिकली जितने भी ब्लैंक होगा उन सबको सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आपको कंट्रोल माइनस प्रेस करना है और इसके बाद आपको एंटायर रो पे क्लिक करना है और करना है ओके। आप देखोगे जितने भी ब्लैंक्स है वो सब यहाँ पे डिलीट हो गए और आपका डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है डीओबी टू एज, और ये भी वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है। मान लो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ये पूछ लेगा कि यहाँ पे मेरे पास इंप्लॉयज का डेटा है और यहाँ पे सिंपली आप जो डेटा देख पा रहे हो वो है डीओबी में, मुझे इस डीओबी के बिहाफ पे हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे एज मेंशन करना है और ये चीज मुझे फॉर्मूले के थ्रू करनी है, एक एक करके गिनना नहीं है, तो ये आप कैसे करोगे? इसके लिए हमें करना क्या है, हम यहाँ पे आएंगे, हमने प्रेस किया इक्वल और एक फॉर्मूला हम टाइप करेंगे जो कि है डेटेड इफ। सिंपली फॉर्मूला लिखना है और आपको टैब प्रेस नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे मैनुअल ब्रैकेट मेंशन करना है। जब आप ब्रैकेट मेंशन करोगे तब आपको नीचे यहाँ पे फॉर्मूला सजेशन देगा। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले जिस डीओबी को हमें यहाँ पे एज में कन्वर्ट करना है उस डीओबी को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम करेंगे कोमा। अब इस डीओबी को हम कंपेयर करेंगे आज की डेट से ताकि अभी तक में उसकी क्या एज बनी है ये हमें पता चले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टुडे का फॉर्मूला जो कि आज के डेट से इसे कंपेयर कर देगा। इसके बाद हम यहाँ प्रेस करेंगे कोमा और डबल कोट्स के अंदर में हमें ये वैल्यू कैसे चाहिए, ईयर में चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपली डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वाई, प्रेस करेंगे एंटर और आप देखोगे इसकी जो एज है वो आपके सामने आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये एक ट्रिकी टर्म है जो कि आपके जॉब प्रोफाइल में भी आपको काफी हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपको कुछ इस तरीके का टास्क दे देगा, वो आपसे बोलेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा में क्या है कि ये जो डीओबी वाला जो कॉलम है वो मैंने बाद में लिख दिया जबकि डीओबी वाला कॉलम पहले आना चाहिए। तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, पहले इस पूरे डीओबी वाले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल एक्स करके उसको यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको हटा के यहाँ पे करेंगे, फिर इसको दोबारा से यहाँ कॉपी करेंगे, बहुत ही लंबा तामझाम यहाँ करने लग जाएंगे और ये आपको आपकी एक्सेल नॉलेज के बिहाफ पे काफी वीक रिप्रेजेंट कर सकता है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले तो आप इस वाले सेल को सेलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स यहाँ पे प्रेस करो। ये करने के बाद आपको यहाँ पे आना है इस वाले सेल पे, आपको यहाँ पे सिंपली बी पे क्लिक करना है, पूरा जो कॉलम है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल प्रेस करना है, आप देखोगे ये दोनों जो कॉलम्स है वो आपस में यहाँ पे स्विच हो जाएंगे। इसके बाद दूसरे टर्म की बात करते हैं, इसी का एक शॉर्टकट पैटर्न देखो, बेसिकली आपको क्या करना है कि कॉलम सी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको ऑल्ट की को होल्ड करना है और शिफ्ट की को होल्ड करना है, दोनों को दबा कर रखना है, फिर यहाँ पे आएंगे और इस तरीके का जब डायरेक्शन सिंबल आएगा तब आपको लेफ्ट क्लिक से इसे दबाना है और यहाँ पे ड्रैग करना है। जब ड्रैग करोगे और ये पूरी वर्टिकल लाइन आएगी तब आपको इसे छोड़ देना है। आप यहाँ पे देखोगे डीओबी वाला जो कॉलम है वो स्विच हो गया है डेजिग्नेशन वाले कॉलम के साथ में, एंड आई होप कि ये वाला जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया हो। आई होप कि दोस्तों एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड जो हमारा ये वीडियो है और ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया हो और जितने भी इसमें टर्म्स थे वो सब आपको क्लियर हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।